पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर वन का, व्हाट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशिंग ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसके पहले कि हम आंसर पढ़े, हम समझते हैं सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है। देखो, जस्टिस का मतलब तो होता है न्याय देना, और सोशल का मतलब मान लो समाज। तो समाज में न्याय, उसको क्या हम कहेंगे, सोशल जस्टिस। अब देखो, समाज में पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, कैसे प्रॉब्लम्स थे हमारे सोसाइटी में। देखो, एक जो प्रॉब्लम था वो था डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव कह लो। दूसरा जो प्रॉब्लम था हमारे सोसाइटी में वो था अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत कहते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, ये नीचे जाति का है, ये हमें टच करेगा तो हमें नहाना पड़ेगा। तो एक था डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते थे। दूसरा था अनटचेबिलिटी। और कैसे प्रॉब्लम्स थी, जेंडर के बेस से प्रॉब्लम था कि मेल है तो वो काम कर सकता है बाहर जाके, फीमेल है तो वो काम नहीं कर सकते। अगर मेल काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, फीमेल है तो कम पैसा मिलेगा। तो ये अलग प्रॉब्लम था। फिर कलर या रंग पे एक प्रॉब्लम था कि भाई ये काला ये गोरा, इससे भी प्रॉब्लम बहुत होता था। फिर रिलीजन के बेस पे भी कई बार प्रॉब्लम्स हुए हैं कि ये इस जाति का इस धर्म को फॉलो करता है तो ये सही है, ये इसको फॉलो करता है तो यहाँ नहीं आ सकता। तो ये सारा क्या था हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ये इनजस्टिस था, है ना। इसी को हमें क्या करना था, सुधारना था। अच्छा, इन सबको कैसे सुधारा जाएगा ये समझ गए, क्या क्या लिखोगे सोशल जस्टिस में। पहले प्रॉब्लम लिखोगे, प्रॉब्लम क्या था सोसाइटी में, एक था डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, उसके बाद में कलर, फिर रिलीजन, इन सब पे क्या था भेदभाव किया जा रहा था। इन सब को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है कि गवर्नमेंट के पहले ना, गवर्नमेंट क्या करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। गवर्नमेंट क्या करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। चाहे तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं कुछ भी हो, किसी भी रंग के हो, तुम्हें क्या मिलना चाहिए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि सबको मौका मिलना चाहिए इक्वल। जैसे कोई भी बच्चा चाहे तो आपके ज़माने में 10वीं कर सकता है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर उसके परिवार वाले बहुत रिच हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे, अगर वो पुअर है तो उसके लिए भी सरकार ने स्कूल सरकारी खोल रखी है। मतलब अपॉर्चुनिटी तो क्या है, इक्वल। अब तुम्हें करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्ज़ी है, पर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट। साथ साथ में गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जो सबके लिए बेनिफिट हो, किसी एक वर्ग के लिए नहीं, क्या होनी चाहिए, सबके लिए वो फ़ायदेमंद होनी चाहिए। तो अब आओ आंसर्स को। अच्छा, ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से ये होता है ना कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा देश है, वो क्या करेगा, फिर ग्रो करेगा, ठीक है। तो अब इस आंसर को हम रीड करके देखते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज मेंट बाय एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, जब हम ये सब चीज़ को एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। टू एलिमिनेट, देखो लिखा है, टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस एंड बिलीव विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस टूवर्ड्स अ पर्सन और अ कम्युनिटी एंड विच हैम्पर्स कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी शुड बी एलिमिनेटेड। क्या बोल रहा है कि सोशल जस्टिस हम कब एस्टेब्लिश कर पाएंगे, कब ला पाएंगे, जब हम एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा दे, ख़त्म कर दे। किनों ख़त्म करते, वो प्रैक्टिस, वो बिलीफ। ये रहे वो सब प्रैक्टिस और बिलीफ जो मैंने एग्जांपल दिया, वो प्रैक्टिस वो बिलीफ जो रिस्पॉन्सिबल है इनजस्टिस के लिए, जो अन्याय के लिए क्या है, इनजस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है या पूरे कम्युनिटी की, कम्युनिटी मतलब पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है। और इसके वजह से क्या होता है, कलेक्टिव प्रोग्रेस को वो हैम्पर करता है। मतलब जो देश आगे बढ़ना था, जो सोसाइटी को आगे बढ़ना था, वो सोसाइटी आगे बढ़ पाती नहीं है। तो इन सारे प्रैक्टिस, इन सारे बिलीव्स को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करना है वो प्रैक्टिस वो बिलीव्स जिसके वजह से क्या होता है, इनजस्टिस। किसको होता है ये इनजस्टिस, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या पूरे कम्युनिटी को। और ना सिर्फ ये इनको इनजस्टिस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक प्रोग्रेस को भी क्या करता है, हैम्पर करता है, मतलब रोकता है। तो इन सबको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये सारे प्रैक्टिस और बिलीव को क्या करना है, एलिमिनेट। जैसे हम इसे एलिमिनेट करेंगे, क्या एस्टेब्लिश होगा, सोशल जस्टिस। साथ में देखते, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी ऑल इंक्लूसिव, विच मीन्स इट शुड एम एट अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए ना जो हर किसी के लिए हो, अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोगों के लिए हो। अकोमोडेटिंग को लिख सकते हो विच शुड बी हेल्पफुल फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव मतलब हर सेक्शन सोसाइटी के, अलग अलग वर्ग के लिए, तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के लिए हो,
तुम ऊंची जात के हो, नीची जात के हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, वो हेल्पफुल होना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट को पॉलिसी भी लानी चाहिए। तो अगर सेकेंड पॉइंट से इतना है तो कि गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी ऑल इंक्लूसिव, तो वेल एंड गुड है। या फिर लिख दो गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी हेल्पफुल फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो जो भी इस पर टर्न करके लिख सकते हो जो तुम्हें याद हो। फिर देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए किस बेस पे, कास्ट के कि तुम किस जाति के हो, इसके बेस पे कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। तुम किस ग्रीड से हो, ग्रीड मतलब तुम्हारी क्या मान्यता है, तुम किस चीज़ से भरोसा करते हो, किस अगर रिलीजन के बेस पे देखो तो तुम किस धर्म को मानते हो, तो तुम्हारी क्या जाति है, तुम किस चीज़ को मानते हो, तुम्हारा क्या धर्म है, क्या रिलीजन है, तुम किस जेंडर के हो, मेल फीमेल जो भी हो, किस जेंडर के हो, किस लैंग्वेज के हो, तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टी है, कितनी जगह है, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इसके बेस पे तुम्हारे साथ कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। जैसे मान लो तुम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके रह रहे हो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में तुम जाके रह रहे हो, उस स्टेट वाले दूसरे एक स्टेट वाले से बोल रहे कि भाई ये स्टेट वाले तो बेकार लोग हैं, तो ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है ना प्लेस ऑफ बर्थ, इसलिए लिखा है कि भाई ऐसा भेदभाव हमें करना नहीं, जब हम ये सब नहीं करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं कि हम क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सोशल जस्टिस। साथ साथ में ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, तो हर वर्ग के इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत ही ईजी आंसर है, कैसे एस्टेब्लिश करोगे तुम सोशल जस्टिस को, सबसे पहले तो एलिमिनेट करना पड़ेगा वो सारा प्रैक्टिस, वो सारे बिलीव जो मन में बैठे हुए हैं, जो इनजस्टिस कर रहे हैं, जिसके वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन या पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का प्रोग्रेस रुक रहा है। साथ साथ में गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो ऑल इंक्लूसिव हो, हर किसी के लिए हो, और हमें ख़त्म करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसके बेस पे, कास्ट, ग्रीड, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, प्रॉपर्टी, ठीक है, इनके बेस पे नहीं होना चाहिए, और हर किसी को, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, तो हर वर्ग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो एक बार ये आंसर पढ़ के लिख लेना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज मेंट बाय सोशल जस्टिस, शायद एक या दो बार, एक बार तो पक्का आया है, शायद दो बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रीड करने के लिए छोटा ऐसे कर दो क्या, हाँ ठीक है।